मध्य प्रदेश कांग्रेस लोगों की समस्याओं के लिए समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही जनता दरबार शुरू करने जा रही है। उधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 6 फरवरी को विधायक दल की बैठक करेगी। बैठक में सरकार को घेरने और आंदोलन की रणनीतियों पर मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी जल्द जनता दरबार भी शुरू करेगी और इसके जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते, तो सप्ताह में मैं 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पर सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वह आगे आपको बता दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा करती है, साथ ही कांग्रेस पर किसानों के लिए समस्या खड़ी करने के आरोप भी लगाए। गलेबान में झांक करके देखे, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भले ही देरी से हमारा काम होता है लेकिन होता है, और नतीजा यह है कि आज हम फुल मैंडेट के साथ में सरकार में बैठे हैं और आप सरकार से बाहर विपक्ष में बैठे हैं। तो अपने अंदर झांक करके देखिए, ये आरोप लगाने का काम न करें और खुद के संगठन को मजबूत कीजिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जनता के बीच जाने की कोशिश में है और जनता दरबार का मकसद भी यही है, हालांकि इस पर सियासत भी होने लगी है। जयपुर विस्फोटक